जंजीर, शोले, दीवार, मिस्टर इंडिया, डॉन जैसी सुपरहिट फिल्मों को कौन भूल सकता है। इन मूवी के साथ ही लोग इनकी स्क्रिप्ट लिखने वाली जोड़ी सलीम जावेद को भी अपनी जहन से कभी नहीं निकाल सकते। लोगों के मन में हमेशा एक सवाल उठता रहा कि आखिर 80 के दशक में इतनी सुपरहिट फिल्में देने वाली जोड़ी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वह अचानक टूट गई। ऐसे में खुद सलीम खान ने इस राज पर से पर्दा उठाया है। सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और मुझे लगा था कि वह दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन था। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि इसकी पहल मेरी तरफ से नहीं की गई थी। सलीम ने बताया कि एक दिन शाम को हम बैठे हुए थे कि तभी अचानक जावेद अख्तर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैंने निर्णय कर लिया है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। जावेद ने यह कहा कि मैं अलग काम करना चाहता हूं। उनकी यह बात सुनकर मैं अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। जावेद मेरे पीछे आए तो मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। सलीम ने बताया कि मैं घर पहुंचा, फिर नहाया और फिर चुपचाप बैठ गया। मेरी किसी से ये बात बताने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तभी शाम को हेलन का फोन आया कि माँ की तबीयत खराब है और जब तक मैं घर पहुँचता उनका निधन हो चुका था। मेरी पूरी रात उनके शव के पास गुजरी और अगला दिन भी इन्हीं सब कामों के चलते निकल गया। सलीम ने कहा कि इतना बड़ा घटना मेरे सामने था तो मैं अपने और जावेद के बीच हुए इस टकराव के बारे में किसी को नहीं बता पाया। सलीम ने काफी भावुक होते हुए कहा कि वह दिन मेरे लिए सबसे दुखद दिन था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के दो ऐसे लोगों को खोया था जो मेरे सबसे करीब थे। इस मसले पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद लोग मुझे फोन करने लगे और हर किसी का सवाल यही था कि आप और जावेद अलग हो गए क्या। मैंने इस बारे में जावेद से पूछा कि क्या आपने इस बात को लीक किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों को पता था तो शायद हो सकता है कि उन्होंने किया। सलीम ने यह भी बताया कि आखिर कुछ दिन बाद कि जावेद अख्तर ने इस बात की मीडिया में पुष्टि कर दी।